हाय गाइस, वेलकम टू संजीव चैनल। होटल मैनेजमेंट का सीरीज चल रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने बोला था कि हायरार्की डिस्कस करेंगे, और ये चार जो डिपार्टमेंट हैं, F&B, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, चार डिपार्टमेंट में से सबसे बड़ी डिपार्टमेंट जिसको मैं बोलता हूँ वो हाउसकीपिंग है। उसके बाद में किचन है, उसके बाद F&B है, और फ्रंट ऑफिस सबसे छोटी डिपार्टमेंट है। हाउसकीपिंग को पहला टॉपिक ले रहा हूँ मैं, इस डिपार्टमेंट का हायरार्की पहला डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरा सेल्फिश पना है आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं खुद ही एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हूँ। मुझे लगा कि ये डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जन को लगता है हाउसकीपिंग अरे यार झाड़ू पोछा है। नहीं यार, हाउसकीपिंग झाड़ू पोछा नहीं है। हाउसकीपिंग हैज़ थ्री मेजर डिपार्टमेंट्स: लॉन्ड्री, हॉर्टिकल्चर और प्लस रूम्स एंड पब्लिक एरिया। अगर एक रिजॉर्ट में, एक होटल में खाना नहीं बने चल जाएगा, रेस्टोरेंट में सर्विस ना हो चल जाएगा, लेकिन क्लीनिंग ना हो नहीं चल सकता, एम्बियंस नहीं हो नहीं चल सकता। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स गो डायरेक्टली हेड ऑन टू आवर डिपार्टमेंट। पहला, मैं सबसे पहला जो टॉपिक निकालूंगा वो है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में लॉन्ड्री अटेंडेंट रहता है, उसके ऊपर में लॉन्ड्री सुपरवाइजर रहता है, और उसके ऊपर में लॉन्ड्री मैनेजर रहता है। और लॉन्ड्री मैनेजर जो है आइदर असिस्टेंट हाउसकीपर को रिपोर्ट करता है या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को रिपोर्ट करता है। अब चलते हैं गार्डन की तरफ। गार्डन में सबसे पहले फ्लोरिस्ट रहता है, जो कि पूरा फ्लावर अरेंजमेंट का टेक केयर करता है। अब उसी के साथ में जो कॉलिग्स है वो है गार्डनर, जो गार्डन की पूरी साफ सफाई, गार्डन का फूल का देख रेख, पानी डालना, ये सब का काम करता है, माली बोल सकते हो आप। और उसके ऊपर में रहता है गार्डन सुपरवाइजर, अगर वो छोटी प्रॉपर्टी है तो वहीं पे सीमित रह जाता है, और वो गार्डन सुपरवाइजर रिपोर्ट करता है असिस्टेंट हाउसकीपर को या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को। अब अगर बड़ी प्रॉपर्टी है तो गार्डन मैनेजर रहता है। ये तो रहा गार्डन और लॉन्ड्री। लेट्स कम टू द हाउसकीपिंग नाउ, जो कि पब्लिक एरिया एंड द फ्लोर्स। हाउसकीपिंग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेक्स, और डेक्स को जो संभालता है वो रहता है डेक्स कोऑर्डिनेटर। उसके बाद पब्लिक एरिया इन द सेंस रेस्टोरेंट, गार्डन्स, बैंक्वेट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस रूम, जिसका क्लीनिंग जो करता है वो अगर लड़का है तो उसको हाउसमैन बोलते हैं, अगर लड़की है तो चैम्बरमेड बोलते, और उनके ऊपर में जो सीनियर रहता है उसको पब्लिक एरिया सुपरवाइजर बोलते हैं, अगर वो छोटी प्रॉपर्टी रहा तो। बड़ी प्रॉपर्टी रहा तो पब्लिक एरिया इंचार्ज रहता है। ये तो रहा पब्लिक एरिया। नाउ लेट्स गो टू द फ्लोर। फ्लोर में प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है। किसी प्रॉपर्टी में बोला जाता है गेस्ट सर्विस एसोसिएट, किसी प्रॉपर्टी में बोला जाता है रूम अटेंडेंट, और इनके ऊपर में जो रहता है वो रहता है फ्लोर सुपरवाइजर। और फ्लोर सुपरवाइजर के ऊपर में जो रहता है सीनियर सुपरवाइजर हाउसकीपिंग रहता है, और सीनियर सुपरवाइजर के ऊपर में अगर छोटी प्रॉपर्टी रहा तो वहां पे असिस्टेंट हाउसकीपर रहता है, असिस्टेंट हाउसकीपर के ऊपर में रहता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, अगर बड़ी प्रॉपर्टी रहा तो डिप्टी हाउसकीपर, हाउसकीपिंग मैनेजर, असिस्टेंट हाउसकीपर रहता है, और ये अगर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी रहा तो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर तक सीमित है। अगर चेन ग्रुप्स ऑफ प्रॉपर्टी रहा तो चेन ग्रुप्स प्रॉपर्टी का एग्जांपल जैसे ताज है, मैरिड्स है, हॉलिडे इन है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, आईटीसी है, अगर आईटीसी है तो ये चेन ग्रुप्स है, और इसमें एक कॉर्पोरेट हाउसकीपर रहता है जो कि बैठता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठता है, और ये पूरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इंडिया में रहने दो बाहर रहने दो, उन प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर उनका कमांड सुनता है, ही इज द सुप्रीम पावर। और ये तो रहा हाउसकीपिंग की हायरार्की, और इसमें पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या रिपोर्ट्स होता है, क्या ट्रेनिंग होता है, इनके रोल्स क्या होता है, इनके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे अगले आने वाले सीरीज में। बहुत आदमी को मिसकंसेप्शन है कि हाउसकीपिंग छोटा डिपार्टमेंट है, झाड़ू पोछे वाला डिपार्टमेंट है। सॉरी टू से, हाउसकीपिंग इज द बिगेस्ट डिपार्टमेंट।
मैंने बहुत जन के मुंह से सुना है, बहुत जन के मिसकंसेप्शन है हाउसकीपिंग, अरे झाड़ू पोछा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हाउसकीपिंग झाड़ू पोछा नहीं है, इट्स अ मेजर डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर इज द मदर ऑफ द होटल, मदर ऑफ द रिजॉर्ट, मदर ऑफ द मॉल। को मैं एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। ये झाड़ू पोछा का जो वर्ड है ना, ये वर्ड मुझे लाइक रिमाइंडर देता है। इट वॉज आई थिंक 2012, संजू और मैं, वी मेट इन फेसबुक एंड आवर वॉज लव का मैरिज, और हम लोग फोन पे बातें कर रहा था। एंड दैट टाइम वॉज अ बैक टू बैक सिचुएशन एंड आई वॉज वर्किंग एज अ एस्टर्न हाउस कीपर दैट टाइम। और बैक टू बैक सिचुएशन में कोई रूम, कुछ रूम बॉयज रूम बना रहे थे और वैक्यूम का आवाज आ रहा था। सो मैं फोन पे था तो मुझे संजू एक क्या बोला, मुझे संजू अभी तक मुझे वो ये वर्ड कान पे गूंजता है। संजू बोला कि आप फोन लेके कैसे वैक्यूम मार सकते हो। मैं बोला, मैं उनको पूछा तब कि आप मुझे क्या समझते हो। नहीं, मैं वो क्या बोली तब, बोला झाड़ू पोछा मारने वाला। मैं बोला क्या, आपको एस्टर्न हाउसकीपर मतलब झाड़ू पोछा? बोला हाँ, रूम साफ करते हैं आप, वही काम करते हो। तो सोचिए, संजू के साथ मैं लगभग एक साल पहले मिला था एंड सी नोज की पोजीशन क्या होता है। उनको ये लगता था कि हाउसकीपिंग मतलब झाड़ू पोछा। तो आप सोचिए, तो ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिएगा। आज के दिन में रूम कॉस्ट जो निकालता है वो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर निकालता है, बजट जो डिसाइड करता है वो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर डिसाइड करता है। और आज के डेट में आप ये तो लिख के ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर्स आर हैविंग द ग्रेट वैल्यू इन द मार्केट, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। के दिन में मॉल्स में हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटी कंपनीज पूरी में हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लेक्सेस में हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट है, कॉरपोरेट ऑफिसेस में हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट है, कहाँ नहीं है ये बताइए। पूरे कहीं भी किसी भी जगह में हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट है। एक ठंडा दिमाग से सोचिए, होटल में खाना नहीं हो चल जाएगा, बाहर से लेके खा लेंगे, बार ना हो चल जाएगा, बाहर से लेके पी लेंगे, सर्विस कोई रेस्टोरेंट में कोई सर्विस वेटर ना हो चल जाएगा, सेल सर्विस कर लेंगे। लेकिन अगर किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में, किसी पार्क में अगर हाउसकीपिंग ही नहीं रहा तो आप जाएंगे? ये बताइए, आप जाएंगे? आप मुड़ के नहीं देखेंगे? आप खुद तो बेड नहीं बनाएंगे, आप टॉयलेट खुद ही साफ तो नहीं करेंगे, और झाड़ू भी आप खुद तो नहीं लगाएंगे। तो आप सोचिए हाउसकीपिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। एक हॉस्पिटल में आप डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ कोई रेस्टोरेंट भी नहीं हो चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे अगर साफ सफाई नहीं हो तो आपको लगता है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा? सो दैट कॉन्सेप्ट दैट एरा इज ओवर। सो मेरा आज का जो सीरीज था इसी के बारे में डिस्कस करना था। होप आप लोगों को सीरीज समझ में आया होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। वी नीड योर लव, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड गिव अ ह्यूज थम्स अप एंड प्लीज शेयर। जितना आप शेयर करोगे, आपने सुना ही होगा वर्ड, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू। और कल का जो सीरीज है, हम लोग तीन डिपार्टमेंट में से एक को चूज करेंगे।